Hey guys, welcome to my channel and happy Diwali. तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग दिवाली के लिए घर में क्या क्या purchase किए थे और उसके साथ साथ उसका सारे decorations. तो अभी हम लोग जा रहे हैं धनतेरस के लिए कुछ लेने के लिए. एक्चुअली मम्मी कुछ लेगी. तो ये जो शॉप है ये आपका जो मेन रोड काली मंदिर है उसके पास ही ये शॉप है. और यहाँ से ही हम लोग एक थाली परचेस किए थे मम्मी ने ली थी जो 600 के आसपास कुछ था. तो शॉप यहाँ पर पूरा भरा हुआ है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा था. तो आप लोग यहाँ से आके कुछ भी जैसे शादी के टाइम हो या फिर ऐसे कोई ओकेशन में जहाँ पर ये सब थाली या फिर वगैरह बर्तन सब लगता है तो यहाँ पर आके आप लोग परचेस कर सकते हैं. कम नहीं होगा भैया? इसके बाद हम लोग रिक्शा लिए और वहाँ से रिक्शा कभी 40 रुपीज़ लेके हम गए फिर अपर बाजार. तो यहाँ पर अपर बाज़ार में हम लोग रणरीज गली जो है वहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है. लोग यहाँ पर मेहंदी भी लगा रहे हैं और दिवाली के जो रंगोली बनाते हैं उसके लिए कलर भी परचेज कर रहे हैं. तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था पर हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ कर्टन्स देखने के लिए. तो यहाँ से हम लोग गए फिर खत्री ब्रदर्स जहाँ पर हम लोग कर्टन्स लिए. तो चलिए वहाँ चलते हैं. 275 एक पीस कि दो पीस? एक पीस. 275 एक पीस. ये नंबर ये दीजिए. और ये पिंक जो है ये वाला? कौन सा? ये 390 का एक पीस. ये वाला 325 का. अच्छा ये है ना कंट्रास्ट में चल जाएगा इसीलिए बोले. तो कर्टन्स हम लोग यहाँ पर ब्लू वाला जो कर्टन सामने देख रहा है वही हम लोग चूज़ किए थे. पर पीस वहाँ पर 390 रुपीज़ करके था तो यही हम लोग लास्ट में चॉइस किए. और यहाँ पर है कि आपका यहाँ पर सेकंड फ्लोर में इन लोग का कर्टन्स का थान भी है. तो बेसिकली आपको अगर वैराइटीज़ देखना है तो वहाँ पर ऊपर जाना था पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ऊपर जाने के लिए तो मैं ऊपर नहीं गई. मैं नीचे से ही चूज़ किए और ये कर्टन्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो अगर आप लोग यहाँ पर बेड शीट वगैरह भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा. वो वाला जो गोल्डन में है हाँ वो तो अच्छा तो लग रहा है वो वाला. नहीं लेकिन फिर भी उसके पीछे भी है. कितना है इसका प्राइस? कर्टन्स के बाद यहाँ पर हम लोग चूज़ किए हैं दो सोफ़ा कवर का पीसेस जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. जो हम लोग का कुशन कवर का जो डिज़ाइन कलर है उसके साथ मैच करके दोनों ही काफ़ी अच्छा था. तो पहले हम लोग ये जो लीव्स वाला जो प्रिंटेड है ये वाला चूज़ किए थे लेकिन फिर बाद में हम डिस्कस करके वो पॉइंटेड जो छोटे छोटे प्रिंटेड जो है वो मैंने फाइनली वो लिए हैं परचेज़ किए हैं. के बाद उसी दुकान के आसपास हम लोग कुछ डेकोरेशन का सामान देख रहे थे परचेज भी किए यहाँ से. तो यहाँ से भी आप लोग आके परचेज कर सकते हैं. एक का 300
ये वाला उतार दीजिएगा, ये वाला। हाँ और ऐसे एक सफेद वाला दे दीजिए, ऐसा। कितना का है? 100 का दीजिए। पॉर्डर ले लीजिए, चेंज दीजिए। नहीं है चेंज नहीं है, 160 हुआ ना। 40 रुपये वहाँ से देना। तो यहाँ पर हम लोग का शॉपिंग कम्प्लीट हो गया और हम लोग यहाँ पर घर पहुँच गए। ये राम मंदिर क्रॉस कर रहे हैं और देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ बहुत सारा शॉप लेके यहाँ पर बैठे हैं। तो नेक्स्ट डे इवनिंग मैं यहाँ पर मेकअप कर रही हूँ, और पहले मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, फिर मैंने यहाँ पर फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ, मैक का फाउंडेशन है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सा मेकअप करूँगी, दिवाली लुक क्रिएट करूँगी। यहाँ पर मैं आई लैशेश लगा रही हूँ, आई लैशेश मेरा लग चुका है। उसके बाद मैं आईब्रो जो है उसको मैं फिल कर रही हूँ, ब्राउन कलर का आई शेडो से फिल कर लिया मैंने आईब्रो। और उसके बाद मैं यहाँ पर दोनों को मार्च कर रही हूँ, मेरा फॉल्स लैशेस और जो ओरिजिनल लैशेस है उसको दोनों को। और इसके बाद मैं कट क्रीज करूँगी बहुत ही हल्का सा। और उसके बाद मैंने आई शेडो यहाँ पर लगाया है, पर बात यह है कि मैं शायद मेरा ये मार्च हो गया और ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गया थोड़ा सा, तो ब्लैकिश और ब्लूज़ मेरा आई शेडो लुक दे रहा था, तो उसके ऊपर मैंने ब्राउन का एक टच ले लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर, ये शुगर का हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन देता है ये। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लाइनर, मैं लगा चुकी हूँ, और लिपस्टिक लगा के मैं अपना लुक कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पर मैं लास्ट में यहाँ पर अपना मेकअप सेट कर रही हूँ मैक के कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो यहाँ पर मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है, मैंने एक ब्लू कलर का साड़ी पहना है और यही मेरा दिवाली का लुक था। तो यहाँ पर हमने जो सोफ़ा कवर मैंने हम लोग जो परचेज़ किए थे उसको हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, और इसका प्राइस जो था ये 1550 का था, तो थोड़ा सा ये महंगा है, लेकिन क्वालिटी अच्छा है, बहुत मोटा भी है और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है, तो इसका लुक बहुत अच्छा दे रहा था। बाद हमने जो कर्टन्स परचेस किए थे वो भी हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। तो इसके साथ साथ हम लोग ट्रांसपेरेंट भी एक दो कर्टन्स परचेस किए थे, और ये थान जो कपड़ा है उससे आया था, और इसका दो पीस से इसका जो परचेस था वो 1060 करके कुछ लिया था, और इन लोग इसको बना भी दिया था, और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है।
है घर में कर्टन्स लगाने के बाद। अब हम लोग डाइनिंग टेबल को भी नया डाइनिंग टेबल कवर हम लोग लगा रहे हैं। और इसके बाद कुछ फ्लावर्स भी हम लोग अपर बाज़ार के वहाँ से परचेज़ किए थे, और ये फ्लावर्स सब भी 200 करके लिया है, तो पूरे घर में ब्लू ब्लू एक लुक आ गया। तो सारा फ्लावर्स हम लोग चेंज किए, और वहाँ से जो हम लोग जो दुकान आपको दिखाया था वहाँ से ये दरवाज़ा के लिए हम लोग लिए हैं, दरवाज़ा का दो साइड कॉर्नर के लिए, और ये दोनों चीज़ का प्राइस लिया था 270 रुपीज़ करके। और मंदिर में लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर डेकोरेशन के लिए लिए थे इसको, और इसका भी प्राइस था 300 कुछ इसको लिया था। तो यहाँ पर हम लोग टूनी बल्ब लगा रहे हैं, और यहाँ पर मम्मी पूजा शुरू कर दी है दिया दिखाना। तो पहले मंदिर में दिया दिखाएंगे, उसके बाद पूरे घर में दिया दिखाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी हर एक जगह दिया दिखा रही है, और बहुत खूबसूरत लगता है जब दिया ऐसे घर में जलता है तो। और यहाँ पर बाहर रंगोली भी बनाया गया है, ऊपर में जो फ्लैट में रहते हैं उन लोग बनाया है रंगोली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बाहर भी हम लोग एक टूनी बल्ब लगाए हैं। तो सब कुछ हो जाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और यहाँ पर बना है कद्दू का एक सब्जी है, पनीर सब्जी है, आलू भुजिया है, पूरी धुसका और खीर है। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल।